नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। सर्जन यादव, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड सूत्रों से पता चला आप को भी मेरी नमस्कार। कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के आप कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। मुन्ना लामा जी, आपके सूत्र बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। मैं अभी बस चंडीगढ़ पहुंच ही गया हूं जी, और आज 3 बजे हम विधिवत रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं अपने साथियों सहित। जी सज्जन यादव जी, आपके पिताजी रघु यादव जी जल योद्धा कहे जाते थे, पूर्व विधायक है रिवाड़ी से। और रिवाड़ी की हम बातचीत करें तो रघु यादव एक रिवाड़ी के बब्बर शेर हैं, अरवाल क्षेत्र के, और बहुत अच्छी खासी राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है उनका। बड़े अच्छे कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद पिता पुत्र आपने मोर्चा संभाला, दोनों पिता पुत्र आप राजनीति फिलहाल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, और युवा नेते थे भाजपा के साथ, अच्छा खासा कार्य कर रहे थे, कंधे से कंधा मिला के आप चल रहे थे भाजपा के साथ। तो ऐसा क्या हुआ, आपने एन मौके पे सही चुनाव के समय ही आप कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए वहां? मुन्ना लामा जी, ऐसा है, ये सारी बातें तो हम अभी एक बार ज्वाइनिंग हो जाए 3 बजे फिर मंच से भी कहेंगे और आपके साथ बैठ के भी करेंगे, क्योंकि ये तो बातें सारी होंगी विस्तार से जी। पर ऐसा है कि मेरे बड़े भाई कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और मेरा पुराना व्यवहार है, और मुझे लगता है कि हम युवाओं की अक्सर बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा अपने आप में एक नाम नहीं, व्यवहार भी है। उनको कोई सुन लेता है, उनसे कोई मिल लेता है तो वो उनका अपना हो जाता है जी। और जी, मुझे लगता है कि जो हरियाणा प्रदेश में जो युवाओं की पीड़ा है इसको कोई सही मायने में समझता है। जितनी मेरी उनसे बात हुई है, जितनी मेरी उनसे चर्चा हुई है, जितनी मेरी उनसे मुलाकात है, इसको कोई अगर समझता है वो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही है। और मुझे लगता है उनके नेतृत्व में हरियाणा एक नई बुलंदियों पे जा सकता है, हरियाणा एक अलग दोबारा से एक तरक्की की राह पे जा सकता है। और इस बिन बातों को हम मन से करेंगे और साथ बैठ के करेंगे, खुल के करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं बस पहुंच गया हूं जी। सज्जन यादव, चलते चलते जाना है, काफी समय बीजेपी के साथ रहे, उनके नीतियों को फॉलो किया है, उनके साथ काम किया है, तो कुछ ऐसा आघात लगा आपके खुद घर के सदस्य भूपेंद्र सिंह यादव जी, आपके चाचा या ताऊ हैं, बहुत बड़े नेता हैं अलवर से, अभी वो चुनाव भी लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं आपका तालमेल नहीं बन पाया, या कोई, या फिर रिवाड़ी से ऐसा कुछ किसी नेताओं के साथ आपकी सेटिंग नहीं बन पाई, या कोई जिस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, या फिर कहीं कि आपके कोई काम थे, या क्या वजह क्या रही है कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मैं किसी की वजह से पार्टी नहीं छोड़ रहा, और सबसे मेरा व्यवहार ठीक है। मेरे सब बड़े भारतीय जनता पार्टी में आज भी हैं, सब का मैं सम्मान करता हूं, पर पार्टी मैं छोड़ किसी की वजह से नहीं रहा, मैं पार्टी ज्वाइन किसी की वजह से कर रहा हूं, और वो है हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी और मेरे बड़े भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। सज्जन यादव जी, ऐसा तो नहीं है, आपके पिताजी रघु यादव तो बड़े कद्दावर नेता हैं, आपकी कहीं ना कहीं यहाँ दाल नहीं गली हो बीजेपी में? रिवाड़ी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, और बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग पावरफुल हैं, कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की भी अच्छी खासी पकड़ रहती है, अरवाल क्षेत्र में उनका आशीर्वाद रहता है, वो जीतता है, वो टिकट दिलाते हैं, उनको टिकट मिल जाती है। तो सज्जन यादव जी, काफी समय आपने देखा बीजेपी में रह के, तो आपने देखा आपकी दाल गलने वाली नहीं है, तो इससे अच्छा कांग्रेस में चलते हैं। सब वो जमाना गया जब राजा रानी की कोख से पैदा होता था, अब वो निकलता है मत पेटी के गर्भ से, तो कौन आशीर्वाद देता है, कौन राजा बनाता है, ये सारी बातें तो पुरानी हो गई हैं। जनता राजा बनाती है, जनता आशीर्वाद देती है, और जनता ही जनार्दन है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। और मेरे पिता का अपना एक बड़ा मजबूत संगठन रहा है, वो आपके नांगल चौधरी के गोद बुलावा से गुड़गांव के ढूंढा हेड़ा तक, और महेंद्रगढ़ में अकोदा से बावल के झाबुआ तक, तो वो संगठन आज भी धरातल पर मौजूद है। उसके साथ पिछले कुछ समय में हमारे बहुत ही ज्यादा सैकड़ों की संख्या में नए जवान और ऊर्जावान साथी भी जुड़े हैं, तो हमारी तो ताकत बड़ी ही है, कम तो हुई नहीं। और अब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हम 10 की 10 लोकसभा सीटें तो हरियाणा में जीतेंगे, पर हमारी जो ये 3 सीटें लगती हैं दक्षिण हरियाणा की, जो मेरी कर्मभूमि है, मेरे पिता की कर्मभूमि है, इसमें इन 3 सीटों को तो हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे जी। बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी जी। तो सज्जन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे तो मैं विस्तार में बात करना चाहूंगा, आपसे सीखने को भी मिलता है, आप बोलते भी अच्छा हैं, और आपके साथ बैठकर बात करने में आनंद भी आएगा, और बस यहाँ से बारीक हो, फिर हम मिलते हैं जल्दी जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है साहब, नमस्कार। तो ये हमारे साथ हरदन यादव बने हुए थे, युवा नेता, भाजपा में काफी समय से सक्रिय थे और रघु यादव के पुत्र हैं। और रघु यादव बहुत ही एक कद्दावर नेता हिरवाल क्षेत्र के जाने जाते हैं और आज उन्होंने बीजेपी पार्टी को कहने की छोड़ दिया है और 3 बजे ये चंडीगढ़ कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद विस्तार सिंह से बातचीत करेंगे, क्या कमियां रही है, क्या वजह से पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन कुछ बातचीत की है हमने, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, नमस्कार, जय हिंद।